हाय एवरीवन, आज हम करेंगे आगे के सेक्शन सेक्शन 51 से। एज वी हैव कंप्लीटेड अप टू सेक्शन 50A इन आर लास्ट क्लास 50A तक। आई होप आपको समझ भी आए होंगे और आपने याद भी कर लिए होंगे साथ साथ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप बेरेक को याद जरूर करते रहें, ताकि आपको अगर एग्जाम में किसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो वहाँ पर याद आ जाए। तो मैं भी इसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको साथ के साथ सेक्शन याद हो जाए। आई होप आपको याद हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेक्शन 51 से स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड। हाँ जी, तो हम 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 51 सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है? 51 सेक्शन बात कर रहा है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की। नाउ हुआ क्या है कि हमने जो अरेस्टेड पर्सन है, मतलब जो पर्सन है उसको हमने अरेस्ट कर लिया, तो उस अरेस्टेड पर्सन को हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम उसको सर्च करेंगे। सर्च इन द सेंस की कोई जगह को जाकर सर्च नहीं करें, जिस पर्सन को अरेस्ट किया ना उसको सर्च करेंगे कि उसके पास क्या सामान है। ठीक है, उसके जैसे उसने क्या, आपने कोई जैसे कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, या कोई भी उसके पास पैसे हैं, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए उसको सर्च किया जाता है। और वो सर्च करके फिर जब उसके पास से कोई चीज़ मिलती है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? सर्च मीमो बनाते हैं। ठीक है, और सर्च मीमो जब बनाते हैं ना, तो किसी ना किसी एविडेंस को वहाँ पे रखते हैं, मतलब कोई भी विटनेस रखते हैं कि हाँ आपके सामने ये चीज़ें सीज की गई हैं, और उसके भी साइन काउंटर साइन ले लेते हैं। यानी कि जो पर्सन जिसका सामान सीज किया जा रहा है, तो पर्सन हु इज अरेस्टेड उसका भी साइन लिया जाता है, कोई एक विटनेस का साइन लिया जाता है, और जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी उसके ऊपर काउंटर साइन करता है। तो ये सर्च मीमो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखो यही बता रहा है आपको कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर अ वारंट, वारंट के अंदर विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर मेकिंग ऑफ बेल, और वहाँ पे बेल की जरूरत नहीं है। अब देखो, बेल की जरूरत है तो पर्सन वहीं के वहीं छूट जाएगा, है ना, तो वहाँ पे तो आपको सर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन जहाँ पे बेल नहीं है वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है, या फिर बेल है लेकिन वो बेल लेता नहीं है, तो फिर आपको उसको अरेस्ट करके रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी फिर आपको सर्च करना पड़ेगा उसको। यानी कि जब वो पुलिस की कस्टडी में रह रहा है, इन दैट सिचुएशन में हैव टू सर्च दैट पर्सन, अदरवाइज क्या जरूरत है, वो तो वहीं के वहीं छूट जाएगा। एंड वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, और जब भी कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, विद वारंट, अंडर अ वारंट, और जब भी कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट हो रहा है, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है, जैसे हमने देखा था ना अभी पीछे कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसी वारंट के अंडर, एंड कैन नॉट बी लीगली एडमिटेड टू बेल, और उसको आप लीगली एडमिट नहीं कर पा रहे बेल पे, और इज अनएबल टू फर्निश बेल, या फिर वो फर्निश नहीं कर पाता अपनी बेल, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, तो जो भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है, और वेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, या फिर जो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है, द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्ट, क्योंकि इस प्राइवेट पर्सन को क्या करना पड़ता है, जाके किसी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को देना होता है, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर को जाके वो हैंड ओवर कर रहा है, मे सर्च सच पर्सन, तो वो उसको सर्च कर सकता है, एंड अ प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और जो भी आर्टिकल्स उसके पास से मिलेंगे, जैसे कोई ज्वेलरी मिली, पैसे मिले, मोबाइल मिला उसका, वॉच मिली, इस तरीके की कोई भी चीज़ है, अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल। अब ऐसा नहीं कि उसके कपड़े ही उतार लेंगे वो तो कैसा ही हो जाएगा, तो नेसेसरी अपैरल नहीं लेंगे उससे, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो उसकी बॉडी पे रहने देंगे, जो भी उसने पहनी हुई है बाकी चीज़ों से ले लेंगे। फाइंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, और कोई भी आर्टिकल जो सीज किया गया उसके पास से, अ रिसीट शोइंग द आर्टिकल टेकन इन पोजिशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन, तो उसकी एक रिसीट उसको दे दी जाएगी, या ये रिसीट वही अरेस्ट मेमो की तरह ही बनाई जाती है, तो उसको रिसीट दे दी जाती है कि हाँ हमने ये सामान ले लिया। तो ये दोनों के लिए ना श्योरिटी हो जाती है, पुलिस के लिए भी और जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसके लिए भी, कि पुलिस पे कोई एलिगेशन नहीं लगेगा कि उन्होंने उनका कोई सामान अपने पास रख लिया, और ये भी पर्सन को सेफ रहेगा कि हाँ मेरी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर आ गई। वेन एवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च्ड, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल, तो फीमेल को आप सर्च कर रहे हो तो इसके लिए फीमेल ऑफिसर ही सर्च करेगी, कोई भी मेल नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, और डिसेंसी मेंटेन करनी है आपको आपको। ठीक है, तो सेक्शन 51 के अंदर हमें क्या बोला गया कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया उसको हमें क्या करना है, सर्च करना है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देन सेक्शन 52 क्या बोलता है हमें, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब यहाँ पे क्या पावर दे रखी है कि आप ऑफेंसिव वेपन्स को सीज करोगे। अब आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया उसको आपने सर्च किया, ठीक है, अब उसके पास से कोई और सामान निकला वो तो आपने सीज कर लिया, इसके अलावा अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स भी मिलते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली बता दिया गया कि उसको भी आप सीज कर लोगे। तो या तो ऑफिसर या जो पर्सन, जैसे प्राइवेट पर्सन या जो भी उसको अरेस्ट कर रहा है इस कोड के अंदर सीआरपीसी के हिसाब से, टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स विच ही इज अबाउट
विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन एंड शेल डिलीवर ऑल द वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और होम ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाई दिस कोर्ट टू प्रोड्यूस अ पर्सन अरेस्टेड. तो वो जो भी ये जो वेपन आपका ऑफेंसिव वेपन जिसको सीज किया गया इसको कोर्ट के सामने दे दिया जाएगा, प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर जिस जिस भी ऑफिसर के सामने करना है उसके सामने कर दिया जाएगा. सेक्शन 52 ये बोलता है. तो 51 ने सर्च किया, 52 के अंदर आपने क्या किया, कोई भी ऑफेंसिव वेपन्स आपको मिले तो वो आप सीज कर लो. 53 के अंदर आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. अभी याद रखना तीनों सेक्शन एक जैसे आएंगे, 53, 53A एंड 54, और इसके साथ आपको एक सेक्शन मिलेगा 164A. यहाँ पे आप मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे रेप विक्टिम का, ठीक है. यहाँ पे आप एग्जामिनेशन करोगे जो एक्यूज होगा इसका रेप का, उसका 376 का, ठीक है. यहाँ पे आप अरेस्टेड पर्सन का या एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो किसकी रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे. और यहाँ 54 में आप मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे अरेस्टेड पर्सन का एट द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिसको अरेस्ट किया गया उसी की रिक्वेस्ट पे, ठीक है. तो ये चीज़ है, इसलिए याद रखना 53, 53A, 54, 164A, यहाँ चार जगह पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एक पर्सन का. तो 53 के अंदर बोलता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा किसी भी ऑफेंस की कमिट होने के चार्ज के ऊपर, ऑफ सच अ नेचर एंड एलिज टू हैव बीन कमिटेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एग्जामिनेशन ऑफ इस पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. और यहाँ पे अगर उसको एग्जामिन किया जाएगा तो उससे ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो कि जरूरी है, ठीक है. इट शैल बी लॉफुल रजिस्टर्ड इट शैल बी लॉफुल फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI. SI से रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए. कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप उसको मेडिकली एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है. अंडर इज डिस्क्रिप्शन टू मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड एज रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट विच मे अफोर्ड सच एविडेंस, कि अगर इसको मेडिकली एग्जामिन किया गया तो जो एविडेंसेस हमें मिलने हैं वो मिलेंगे. तो उसके लिए वो SI से ऊपर के रैंक के किसी भी ऑफिसर के कहने पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको एग्जामिन कर सकता है. एंड टू यूज सच फोर्स एज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पज. और इसके लिए फोर्स अगर यूज करनी पड़ी तो वो भी यूज कर सकते हैं, कि भाई नहीं करा रहा तो भी आप कर सकते हो. और ये जो सेक्शन है 53 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है. कालीकट्टू ओगड़ वाला केस आता है वो आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, ठीक है. आपके ये किसी राइट फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं कर रहा है. वेन एवर द पर्सन ऑफ फीमेल इज टू बी एग्जामिन अंडर दिस सेक्शन द एग्जामिनेशन शेल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. सिंपल सी बात है कि आप फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पे रखोगे. तो एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो, जो भी आपको मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक यूज करनी है, DNA प्रोफाइलिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ यूज करनी है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है. और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर दिया हुआ है. 53A के ऊपर आते हैं. आई होप आपको 53 समझ आया होगा. 52 और 51 एक जैसे हैं. सर्च किया और कोई ऑफेंसिव वेपन मिले तो यहाँ पे लिए, बाकी कोई चीज़ मिली सर्च में तो यहाँ पे ली. 53 में आपने मेडिकली एग्जामिन किया किसको, जो भी कोई ऑफेंडर है किसकी रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे. 53A के अंदर आप किसको कर रहे हो, एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है. जो एक्यूज है उसको कर रहे हो. इसके साथ अपने बेर एक्ट में आप 164A लिख लेना. 164A में विक्टिम को करते हैं 376 के, और यहाँ पे किसको कर रहे हैं, एक्यूज को कर रहे हैं 53A के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे बस यही चीज़ है कि अगर कोई इस तरीके का ऑफेंस करता है और रीजनेबल ग्राउंड है कि उसका जो एग्जामिनेशन है उसके कारण कोई एविडेंसेस मिलेंगे, और मिलेंगे ही मिलेंगे वो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि ये लॉफुल होता है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो विद इन 16 किलोमीटर्स जहाँ पे भी वो ऑफेंस हुआ है, वो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस ऑफिसर के कहने पे, और वो पुलिस ऑफिसर SI से रैंक के नीचे का नहीं होगा, उस पर्सन को गुड फेथ के अंदर क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, ठीक है. और अगर कोई फोर्स वगैरह अप्लाई करनी है तो वो भी की जा सकती है. एंड सेम केस इज एप्लीकेबल टू हेयर एज वेल, कट्टीकल्लू उगड़ वाला केस जो आता है, ठीक है. और फिर ये जब सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये चीज़ें अपनी रिपोर्ट के अंदर वो लिखेगा, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स भरेगा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जब 53A के अंदर किसी को एग्जामिन करेगा. तो आपको याद रखना है 53 में कब करेगा, 53A में कब करेगा और 54 में कब करेगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है. तो वहाँ सिंपल सी बातें हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज पर्सन, एज ऑफ द एक्यूज, कोई इंजरी वगैरह मिलती है, DNA प्रोफाइलिंग की जो डिस्क्रिप्शन जिस पार्ट को आपने लिया है, या कोई भी रीजनेबल डिटेल जो लगती है वो सारी अपनी रिपोर्ट के अंदर वो लिखेगा. और जो भी कंक्लूजन के ऊपर वो पहुँचा है जो मेडिकल एग्जामिनर है वो उसका रीज़न लिखेगा,
प्रिसाइसली रीजन लिखेगा कि क्यों उसने ये चीज़ बोली, और एग्जैक्ट टाइम लिखेगा कि वो कब एग्जामिनेशन शुरू हुई और कब वो एग्जामिनेशन ख़त्म हुई, और फिर वो बिना किसी डिले के क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट दे देगा। और वो फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है 173 सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हम चार्जशीट फाइल करते हैं, पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं, उस रिपोर्ट के अंदर इस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और देखो 54 के अंदर क्या आ रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, कि आप अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन कर रहे हो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, प्रोवाइडेड दैट वे रजिस्टर्ड पर्सन इज फीमेल, तो वहाँ पे फिर वो फीमेल ही करेगी, ये चीज़ हम देख चुके हैं। जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो भी जो एग्जामिन कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को, वो फिर उसका रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन बनाएगी, और जो भी बातें उसको लिखनी है, इंजरीज, मार्क्स ऑफ वायलेंस, जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसके ऊपर जो भी आ रहे हैं, वो सारे उसके अंदर मैंशन करेगा। जो भी अप्रॉक्सीमेट टाइम है जब वो इंजरीज हुई थी या मार्क्स आए थे, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर नोट करेगा। और जहाँ पे एग्जामिनेशन सब सेक्शन 1 के अंदर किया जा रहा है, उसको उसकी जो कॉपी है एग्जामिनेशन की, वो जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो अरेस्टेड पर्सन, एक मिनट, रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ केस में बी टू द अरेस्टेड पर्सन, और वो रिपोर्ट अरेस्टेड पर्सन को भी दी जाएगी और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन, या जो भी पर्सन उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया उसको भी दी जाएगी, ठीक है। तो 53 पुलिस ऑफिसर करा रहा है, 53A एक्यूज का हो रहा है, 376 के, और 54 में अरेस्टेड पर्सन का हो रहा है। और ये रिपोर्ट आप उस पर्सन को भी दोगे जिसको अरेस्ट करोगे, या उसका कोई जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको भी इसकी कॉपी सप्लाई की जाएगी, ठीक है। हाँ, और ये 54 शेल वाला सेक्शन है, दैट मीन्स इट इज मैंडेटरी सेक्शन, यू हैव टू फॉलो दिस सेक्शन। देन 54A आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। तो जहाँ पे जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है कि भाई उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, एंड इज आइडेंटिफिकेशन बाय द अदर पर्सन और पर्सन इज कंसिडर नेसेसरी, और ये जरूरी है कि कोई पर्सन उसको आइडेंटिफाई करे कि हाँ यही पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है। फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन और पर्सन इन सच मैनर एज अ कोर्ट में डीम फिट। तो वहाँ पे वो कोर्ट फिर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ पर्सन इज आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड, कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है, वो पर्सन क्या है, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है। सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल बी टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे जो GM है या MM है वो उनके सुपरविजन में किया जाएगा। हु शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाइज अ पर्सन अरेस्टेड ड्यूरिंग द मैटर ऑफ द पर्सन इन इज कंफर्टेबल विथ, कि जो पर्सन जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड था उसने उसको आइडेंटिफाई किया है, जो भी मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड था उसने, और इस प्रोसेस को हम वीडियोग्राफ भी कर लेंगे। जैसे 164 में करते हैं ना, जब 164A में जब ऐसे कोई इस तरीके का पर्सन होता है, या 154 में भी दिया गया, उसको भी हम यही चीज़ करते हैं, वीडियोग्राफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप सेक्शन 54A के अंदर जब किसी से आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो किसी पर्सन का, और वो पर्सन अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस प्रोसेस को आप वीडियोग्राफ कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 54A तक हो गया। 51 के अंदर क्या था, 51 के अंदर था हमने सर्च किया उस पर्सन को, 52 के अंदर हमने क्या किया, कोई ऑफेंसिव वेपन मिला तो वो हमने अब सीज कर लिया, 53 के अंदर हमने क्या किया, उसको मेडिकली एग्जामिन किया एट पुलिस रिक्वेस्ट, 53A के अंदर हमने क्या किया, जो 376 का एक्यूज है उसको मेडिकली एग्जामिन किया, 54 के अंदर हमने क्या किया, कोई भी अरेस्टेड पर्सन को हमने एग्जामिन किया, 54A के अंदर हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है ये वाला सेक्शन, देन यहाँ पे 55 भी हम कर लेते हैं, देन फिर बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सेक्शन 55 के अंदर दिया गया प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम अरेस्ट विदाउट वारंट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है और वो चाहता है कि उसका कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाए, और वो विदाउट वारंट यहाँ पे वो डायरेक्शन दे रहा है कि उसके पास वारंट नहीं है, यानी कि जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हो रहे हैं वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्सन जिसको भी डायरेक्ट किया जाएगा, जो भी जाएगा
उसको ये ऑर्डर कैसे मिलेंगे, राइटिंग के अंदर मिलेंगे, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि हाँ आपको इस पर्सन को जाके अरेस्ट करना है, द ऑफेंस और अदर कॉज ऑफ विच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड द ऑफिसर्स और रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड अ सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर। अब ये चीज़ यहाँ पे जरूरी हो जाती है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने जाया जाएगा विदाउट वारंट, लेकिन ऑर्डर होंगे उसके पास राइटिंग के अंदर अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के, तो वो उसको सब्सटेंस बताएगा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शेल शो हिम द ऑर्डर, और अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑर्डर भी उसको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक और जगह मिलेगी सेक्शन 75 के अंदर, जहाँ पे सब्सटेंस बताने होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम वारंट वाले केस के अंदर सब्सटेंस बताते हैं, ठीक है, जहाँ वारंट इशू होते हैं, लेकिन 55 के अंदर जहाँ पे वारंट इशू नहीं होते वहाँ के सब्सटेंस बताए जाते हैं। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शेल इफेक्ट द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पर्सन अंडर सेक्शन 41, और इस ये जो सेक्शन है सेक्शन 41 को कहीं से भी रोकता नहीं है। अगर जैसे हमने सेक्शन 41 के अंदर पढ़ा था ना कि विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर लेते हैं, उसके सामने कोई किस तरीके का ऑफेंस हो रहा है वो सब चीज़ें देखी थी, तो उस चीज़ को ही नहीं रोक रहा है सेक्शन 41 को, नहीं रोक रहा सेक्शन 55। ठीक है, तो सेक्शन 55 तक हमारा कंप्लीट होता है। 55A भी देख लेते हैं, जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात की गई है कि ये ड्यूटी ऑफ पर्सन होगी जो भी उसकी कस्टडी ले रहा है अक्यूज की, कि वो रीजनेबल केयर करेगा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज की। ठीक है, 55A के अंदर, तो सेक्शन 51 से लेके 55A तक हमने इस क्लास के अंदर समझा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।